गुड मॉर्निंग फोर क्लास, दिस इज़ आर चैप्टर नंबर वन ऑफ ईवीएस बुक। हमारी ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर वन है, ठीक है। चैप्टर नंबर वन का नाम क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी खाना और खाने से मिलने वाला न्यूट्रिशन, यानी आप पोषण बोल सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन, यानी क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड के बारे में और उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है वो, ठीक है। बैलेंस डाइट, यानी एक बैलेंस डाइट, एक ऐसी डाइट कैसे बनाई जाती है जिसमें सब चीज़ें हों जो हमारी बॉडी को चाहिए। कुक्ड एंड रॉ फूड, यानी बना हुआ खाना और कच्चा खाना। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी फूड को कैसे, अगर आपने ज़्यादा बना लिया तो फूड को बचा कर कैसे रख सकते हैं, ये इसको उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ये सब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में रीड करेंगे। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, अब फ्रूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, राइट द नेम ऑफ फोर हेल्दी एंड फोर जंक फूड। हेल्दी फूड यानी जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं वो चार आप यहाँ लिखेंगे। जंक फूड यानी जैसे मैगी नूडल्स, चाउमिन, ये सब जो जंक फूड होते हैं, जो बाहर का खाना है जो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये आप खुद करेंगे, आपको भेजा नहीं जाएगा। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्दी। फूड जो है सारे ही लिविंग बींग के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो जी पाएँ, बढ़ पाएँ और हेल्दी लाइफ में जिए, यानी हेल्दी रह पाएँ, ठीक है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, और ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है ताकि हम काम कर पाएँ, पढ़ाई कर पाएँ, सोच पाएँ, बातें कर पाएँ, चल पाएँ, खेल पाएँ, भाग पाएँ, एंड डू मैनी अदर एक्टिविटीज़, और ऐसी ही कई सारी एक्टिविटीज़ कर पाएँ। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे, सुस्त रहेंगे, हमसे भागा नहीं जाएगा, खेला नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं होगी। तो इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है बेटा, फूड की। आर फूड नीड्स सम पर्टिकुलर सब्सटेंस टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, मगर हमारी बॉडी को जो है वो कुछ पर्टिकुलर, यानी ऐसे नहीं कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स चलेगा, कुछ भी खा लो बस हेल्दी होना चाहिए। हमें एक हर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होती है, कुछ सब्सटेंस चाहिए होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं और हमें स्ट्रांग बनाते हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आर फूड, हम इन न्यूट्रिएंट्स को हमें कहाँ से मिलता है, फूड में से मिलता है। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमें डिजीज से यानी बीमारियों से बचाते हैं। गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम अपने पूरे दिन का जो भी हमारा एक्टिविटी है, जो भी हमारा काम है, वो हम कर पाएं। एंड टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर, और हम क्या बने, बहुत ज़्यादा ताकतवर बने और बहुत ज़्यादा हेल्दी बने। आर फूड नीड्स फाइव मेजर न्यूट्रिएंट्स, अब ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, ऐसे मेन जो है वो पांच हैं। क्या क्या बोला जाता है इनको, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिंस एंड मिनरल्स, ठीक है। ये फाइव जो है ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बिसाइड्स दीज, रफेज इज ऑल्सो नीड फॉर आर बॉडी टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनिंग वेल। इसके अलावा हमें एक चीज़ चाहिए होती है जिसको बोलते हैं रफेज, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन सिस्टम को बिल्कुल सही रखता है। प्लेंटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल इन आवर बॉडी, और इसके अलावा क्या चाहिए, खूब सारा पानी हमें पीना चाहिए। अब पढ़ते हैं एक एक इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि क्या होते हैं और क्या काम करते हैं, अगर हम इनको नहीं लेंगे तो क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले पढ़ते हैं, वी गेट एनर्जी टू डू आर एक्टिविटी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, यानी काम करने की जो हमें ताकत मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे फूड में तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रह जाएगी काम करने की। आर बेसिक फूड आइटम्स आर, और जो बेसिक फूड आइटम्स जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो है राइस, यानी चावल खाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चपाती यानी रोटी खानी चाहिए, ठीक है। पोटैटो यानी आलू, शुगर, ब्रेड, बनाना, ऑरेंज हैव प्लेंटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब में बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये सब खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। मिल्क ऑल्सो हैव सम कार्बोहाइड्रेट्स, दूध में भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क लाइक फार्मर्स, लेबर, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेट्रा नीड लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी वो लोग जो फिजिकल वर्क बहुत करते हैं, अपने शरीर से काम बहुत करते हैं, जैसे फार्मर हो गया, लेबर हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन कोई हो गया, तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में अगर एनर्जी नहीं होगी तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। फैट्स, अब फैट्स क्या होता है, सम एग्जाम्पल ऑफ फैट रिच फूड आइटम्स आर, फैट मतलब जो हमारे बॉडी में मोटापा लाता है, ठीक है। ज़्यादातर आप ऐसे चीज़ों को फैट्स बोलते हैं, जैसे तेल हो गया, बटर हो गया, चीज़, घी, नट्स, मीट, फिश, ठीक है, ये सब फैट्स होते हैं।
ठीक है। फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब फैट भी क्या होता है, फैट हमें क्या देता है, और भी ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा। दे एक्स्ट्रा फैट स्टोर अंडर द स्किन कीप द बॉडी वॉर्म। और अगर आप ज़्यादा खा लेते हो एक्स्ट्रा फैट को क्या करता है, ये स्किन के अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके कारण आप जो है वो मोटे दिखने लगते हो। अगर आप ज़्यादा मात्रा में फैट्स खाते हो तो ज़्यादा स्टोर करने लगता है और उसके कारण आप मोटे हो जाते हो। दे आर स्ट्रॉन्ग स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। और ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं ताकि जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़े, हमें टाइम पे खाना ना मिले, तो हम मतलब ये हमारे मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है। ईटिंग लॉट्स ऑफ फैट रिच फूड कैन मेक यू ओबेस विच इज नॉट हेल्दी साइन। यानी आपको मोटा बना सकता है बहुत सारा फैट खाना। ठीक है। प्रोटीन, अब पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। फूड आइटम रिच इन प्रोटीन आर मिल्क, पल्स, एग, फिश, मीट एंड चीज़। प्रोटीन इन सब फूड में जो है वो होता है। ठीक है। प्रोटीन आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। और प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी हमारी बॉडी को बनाने में, मसल्स को बनाने में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। प्रोटीन आर नीडेड टू बिल्ड मसल्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। ये किस लिए हमारे ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में, ताकि हमारे मसल्स को अच्छे से बना पाए, हमें स्ट्रॉन्ग बना पाए, एंड टू ग्रो एंड रिपेयर पार्ट विच आर डैमेज ड्यू टू इंजरी एंड सिकनेस। और हमारी बॉडी का अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है या इंजरी हो जाती है, तो वो सब क्या करते हैं, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो सब ठीक हो जाते हैं। फूड आइटम रिच इन प्रोटीन आर ऑप्टेन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी प्रोटीन जिन खाने में होता है उनको हम और भी क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। वाइटामिन एंड मिनरल्स, अब वाइटामिन एंड मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बारे में बेटा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम प्रोटीन तक ही पढ़ेंगे। ठीक है। एक काम करते हैं, बहुत सारे चैप्टर है तो ये वाला पोर्शन भी इसी में ही ख़त्म कर लेते हैं, फिर रफेज से हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स क्या होता है, सम फूड न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय आर बॉडी फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग एंड टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। यानी कुछ फूड न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्यों होते हैं, ताकि हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो सही तरीके से हो पाए, हमारी बॉडी जो है डिजीजेस से लड़ पाए ढंग से। ठीक है। ताकि हमारी बॉडी बीमार ना हो। ठीक है। दे आर विटामिंस एंड मिनरल्स, और ये काम कौन करता है हमारी बॉडी में, विटामिंस और मिनरल्स। दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, मगर बहुत ही कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है। इनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। देयर आर सेवरल विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर बॉडी नीडेड। कई सारे विटामिंस और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। कैल्शियम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स। कैल्शियम जो होता है वो हमारी बॉडी में टीथ और बोन्स दोनों को बनाने में मदद करता है। मिल्क, चीज़, एग एक्सेट्रा रिच इन कैल्शियम। जो मिल्क है, दूध है, यानी चीज़ है, अंडे हैं, ये सब कैल्शियम में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड। आयरन जो होता है वो हमारी ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वी गेट आयरन फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हमें आयरन कहाँ से मिलता है, जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती है, जैसे पत्ता गोभी, ठीक है, पालक, मेथी, बथुआ, इन सबसे हमें जो है क्या मिलता है बेटा, आयरन मिलता है। ठीक है। वेजिटेबल एप्पल एंड गुआवा, एप्पल और गुआवा से भी बहुत ज़्यादा हमें जो है आयरन मिलता है। सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन आर सम अदर मिनरल्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और हमारी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और आयोडीन, ठीक है, आपको बोलते हैं ना आयोडीन नमक खाओ ताकि आयोडीन की कमी ना हो, तो ये सब जो मिनरल्स हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वी नीड विटामिन ए फॉर गुड विजन। हमें विटामिन ए क्यों चाहिए होता है, ताकि हमारी आँखें स्वस्थ रहें, हमारी हेल्थ स्वस्थ रहे, स्किन अच्छी रहे और हमारी ग्रोथ होती रहे। सम फूड आइटम्स दैट कंटेन विटामिन ई आर। अब विटामिन ई होता किस में है, कैरेट यानी गाजर में होता है, ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियों में होता है, और डेयरी प्रोडक्ट यानी जो दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें होता है। फॉर द गुड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन वी नीड विटामिन सी। और आयन पूरा करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो जिसमें विटामिन सी हो। सिट्रिक फ्रूट वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। यानी खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें खट्टापन होता है, वो वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए ताकि विटामिन सी मिले।
वी गेट वाइटामिन डी फ्रॉम सनलाइट, कैबेज एंड सोयाबीन ऑयल. और वाइटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है, कैबेज से मिलता है और सोयाबीन ऑयल से मिलता है. ठीक है बेटा, फर्स्ट वीडियो हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं. आपको यहाँ पर लेट्स रिकॉल दिया हुआ है, यानी जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे आपको मैचिंग दी हुई है, ये आपको खुद से करनी है. ठीक है, वीडियो नंबर 1 हम यहीं पर फिनिश करते हैं.